बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड। रिया नहीं बल्कि सुशांत की बहन प्रियंका उनके फाइनेंस को कंट्रोल कर रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये हम नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने मौत के एक महीने पहले अपने एक इन्वेस्टमेंट में अपनी बहन प्रियंका को नॉमिनी बनाया था। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं पूरी खबर। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के फाइनेंस को कंट्रोल करने और 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। अब रीसेंट डेवलपमेंट में इंडिया टुडे को सुशांत सिंह राजपूत और एक प्राइवेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के बीच का एक चैट मिला है जो कि मई 2020 का है। इस चैट में दिवंगत अभिनेता एक इन्वेस्टमेंट के डिटेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो उन्हें बैंक के साथ करना था। इस व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका को इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए नॉमिनी बनाया था। वेल, ये काफी शॉकिंग है क्योंकि ये बातचीत 14 जून को मुंबई में अपने बांद्रा अपार्टमेंट में एक्टर की मौत से ठीक एक महीने पहले की है। ये चैट इस बात की ओर इशारा करती है कि सुशांत के अपने परिवार के साथ रिश्ते उतने तनावपूर्ण नहीं थे जितने की बताए गए। इससे ये भी पता चलता है कि सुशांत को अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सब पता था और रिया चक्रवर्ती उनके फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर रही थी। वेलेस न्यूज रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।